अस्सलाम वालेकुम गॉर्जियस लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान मगर बिल्कुल पकवान सेंटर जैसी, जैसे कि बड़े अच्छे शेफ्स बनाते हैं वैसे ही आलू दम बिरयानी। इसका एक एक चावल बिल्कुल खिला हुआ होगा, इसका रंग, इसकी खुशबू, सब कुछ लाजवाब होगा। और साथ ही साथ जब आप इसको ट्राई करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि इसका जायका भी बिल्कुल बाजार जैसी बिरयानी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बड़ा भगोना लिया है जिसके अंदर तकरीबन 4 लीटर पानी लिया है और उसमें 3 से 4 चम्मच भर के नमक डाल दिया है और इसके अंदर 1 चम्मच घी भी शामिल किया है। और अब इसको एक बॉयल आने तक कुक करेंगे। यहाँ पर चावल लिए हैं मैंने तकरीबन 1 किलो और ये अच्छे वाले, बेहतरीन वाले बासमती राइस हैं। इनको मैंने वॉश कर लिया है। और यहाँ पर 1/2 किलो आलू लिए हैं जिनको मैंने पील कर लिया है। याद रहे कि यहाँ पे हमें छोटे आलू लेने हैं, बड़े आलू नहीं लेने। और 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग लिया है और इसको अच्छी तरह से इन आलूओं पे कोट कर देना है। आलू दम बिरयानी की स्पेशलिटी होती है कि जो आलू होते हैं उनका रंग बिल्कुल ऑरेंज होता है, यानी कि खूबसूरत नारंगी रंग होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं अच्छी तरह से अपने हाथों से इसको कोट कर रही हूँ। आप चमचे से भी कोट कर सकते हैं लेकिन कोई मसला नहीं है, साफ़ सुथरे हाथ हैं, आप हाथ वॉश भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही पानी में बॉयल आया मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं। इनको हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि नमक, घी और चावल अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। और इसको इसके अंदर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा विनेगर भी ऐड किया है। विनेगर ऐड करने का मकसद सिर्फ इतना है कि चावल जो है वो टूटे ना, खिला खिला रहे और हमारी जो बिरयानी है वो खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर सिर्फ 10 से 15 मिनट लगे और हमारे चावल जो है वो 80% कुक हो चुके हैं, यानी एक कनी रह गई थी इसमें और मैंने चूल्हा बंद कर दिया। यहाँ सारे इंग्रीडियंट्स हैं जो हमें बिरयानी के अंदर यूज़ करने हैं। जो चावल थे उसको मैंने ठंडे पानी से स्ट्रेन कर लिया है, छान लिया है और देखिए चावल बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं, एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है। तेल लेना है यहाँ पर 1/2 कप और यहाँ पर फ्राई प्याज जो पहले से मैंने फ्राई कर ली थी, या आप रेडीमेड फ्राई प्याज भी ले सकते हैं, 1 कप। कटी हुई हरी मिर्च 3 टेबलस्पून और टमाटर लिए हैं चॉप हमने 4, दही 1 पाव और यहाँ पर लेमन जूस यूज़ करेंगे जो कि मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है, तकरीबन 4 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 2 टेबलस्पून और 10 ग्राम का यानी 10 ग्राम का चिकन पाउडर का साशे लेना है आपको। धनिया पाउडर लेंगे 2 टेबलस्पून, नमक लेंगे 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर और यहाँ पर 1/2 गड्डी हरा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्चें जो हम दम में यूज़ करेंगे। एक देगची ले ली है जनाब और इसके अंदर मैंने तेल को गर्म कर लिया और सबसे पहले इसके अंदर मैं जो आलू थे ना उनको फ्राई करूँगी। इनको मैं करूँगी 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई ताकि इनका नाइस गोल्डन कलर आ जाए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको मिस नहीं करना है, ना ही इसको स्किप करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर मैं 2 से 3 चुटकी नमक भी ऐड कर रही हूँ। और इसको करेंगे अच्छी तरह से फ्राई। थोड़े बहुत तो ये अभी टेंडर होना शुरू हो जाएंगे, गलना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर जो 1 पाव दही लिया था इसको कर लूँगी अच्छी तरह से बीट, यानी कि इसको फेंट लेंगे। और इसे फेंटने के बाद इसके अंदर मैं जो शामिल करूँगी स्पाइसेस, यानी कि पिसा हुआ धनिया, हल्दी, जायफल जावित्री, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक। और इसके साथ ही शामिल कर दूंगी इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्चें 3 टेबलस्पून
या हस्ब जायका, हस्ब ज़रूरत, हस्ब जायका, जितनी आपको पसंद हो आप इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं हरी मिर्चों को। लेकिन मैंने इनको थोड़ा साबुत इसलिए रखा ताकि ये नाइस खूबसूरत कलर इनका नज़र आए जब हम मसाला रेडी करें। तो चलिए, अच्छी तरह से सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं, दही फेंक चुका है और तकरीबन 12 मिनट हो गए थे। मैंने अब इनको अलग कर लेना है आलूओं को। एंड यू कैन सी इनकी स्किन कितनी खूबसूरत लग रही है, नाइस गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इन पे। और अब उसी तेल के अंदर मैं शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। आलूओं को अलग कर लिया है मैंने, इनको साइड में कर देंगे। और देखिए ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो मैं शामिल कर रही हूँ। इसको करेंगे गोल्डन ब्राउन। वाओ माशाल्लाह, लहसुन की तो खुशबू ही बड़ी ज़बरदस्त होती है। और अब इसके में शामिल कर दिए मैंने टमाटर, 3 से 4 दरमियानी साइज के टमाटर लिए थे। इसको रफली चॉप किया था, यानी ज़्यादा बारीक नहीं काटा था। और इनको खड़ा खड़ा ही रखेंगे, इनको बिल्कुल मैश नहीं करना है, बस हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद हम शामिल कर देंगे स्पाइसेस और दही का मिक्सचर और इसको करेंगे सिर्फ 5 मिनट फ्राई। टमाटर थोड़े से खड़े खड़े रहेंगे तो बिरयानी के अंदर बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारा मसाला आधा तो रेडी हो चुका है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप फ्राइड प्याज। आप चाहें तो फ्रेश प्याज को भी शुरू में फ्राई करके साइड में करके और फिर इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं, वरना तो रेडीमेड जो मार्केट में प्याज मिलती है फ्राई हुई भी, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर लेमन जूस एंड चिकन पाउडर। एंड इफ़ यू हैव नॉट चिकन पाउडर देन यू कैन यूज़ चिकन क्यूब्स। तो इसको 5 मिनट और लगे और मसाला बिल्कुल रेडी है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। हाफ मसाला मैंने इसमें से अलग कर लिया है और हाफ जो है वो अभी देगची के अंदर ही है। नाउ इट्स टाइम टू पुट आवर पोटैटोस, जिनको इस तरह से प्लेस करूंगी मैं। तो आलूओं की लेयर लगा दी है और अब एक लेयर हम लगाएंगे चावलों की इस तरह से, और फिर से इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे उस मसाले की जो मैंने आधा अलग करके रखा था। इसको ट्राई करेंगे इस तरह से फैलाने की। और अब इसके ऊपर दोबारा से जो चावल बाकी बचे हुए थे उसकी लेयर लगा देंगे। इनको थोड़ा सा खोल देंगे ताकि ये आपस में चिपके ना और हमारी बिरयानी एकदम खिली खिली और बेहतरीन नज़र आए। तो चावलों की सेकंड लेयर भी अच्छी तरह से यहाँ पे हमने फैला दी है और अब इसके ऊपर लेयर लगाएंगे हरी मिर्चों की और हरे धनिए की। अब चाहें तो इसके ऊपर पुदीने की यानी मिंट लीव्स जो होते हैं वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जर्दे का रंग जो कि मैंने 1/2 टीस्पून लिया था उसे थोड़े से केवड़े में मिक्स करके और उसका भी इस तरह से डाल दिया है। और यहाँ पर तकरीबन 1/2 घंटा गुजर चुका है और अब चेक करते हैं। माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और शक्ल तो आप देख ही सकते हैं। तो 1-2 बार इसको चलाते हैं, चेक करते हैं जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल वैसी ही बनी है जैसे मैंने सोची थी। एक एक दाना इसका चावल का खिला हुआ है और कलर देखें कितना हसीन आया है इसका। बिल्कुल ऐसी ही बिरयानी है जैसे कि देग की होती है, देग की, पकवान सेंटर की, अच्छे अच्छे बावर्ची जो बनाते हैं। तो चलें इसको डिश आउट कर लेते हैं। और दिस इज़ द फाइनल लुक। और खुशबू, जायका, रंगत सब कुछ लाजवाब है।
इसको घर में बनाइए और इसको ट्राई करिए, घर वालों को खिलाइए, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। और जब बजट कम हो या फिर कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल करे तो आप आलूओं की ये बिरयानी बनाकर देखें, बहुत ही लाजवाब बनती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या किसी वजह से करना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, बिल्कुल फ्री है, सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कर दीजिए और इसके अलावा बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी ज़बरदस्त रेसिपीज आपको टाइम पर मिले। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा और इसके अलावा कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करिएगा। मैं हाजिर होंगी नेक्स्ट एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।